हेलो फ्रेंड, मैं इमरान अहमद अंसारी। आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बाजू में डिजाइन बनाने का तरीका। ये डिजाइन आप सूट में, कुर्ती में, फ्रॉक में, ब्लाउज में, जिसमें भी चाहें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल बाजू डिजाइन है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बहुत ही बारीकी से सीखेंगे और समझेंगे, फिनिशिंग के साथ बनाएंगे किस तरह से ये बनेगा, यही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। फ्रेंड, आपसे बता दें, आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन भी दबा लें, जिससे क्या होगा, इस तरह की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, हमको डिजाइन बनाने के लिए इस तरह से डोरी लेना है, मोटा वाला धागा लेना है, दो रिंग ले लेना है। इस तरह से लेने के बाद एक कपड़ा लेंगे हम, इस तरह से चौड़ा कपड़ा, जिसकी आप चौड़ाई देख सकते हैं यहाँ से 11.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई आप देख सकते हैं, लंबाई 14 इंच है। तो इस तरह से एक कपड़ा लेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरफ से भी फोल्ड कर लेंगे। इसको हम फोल्ड करने के बाद इस तरह से बराबर करेंगे और इंची टेप से हमको यहाँ से निशान लगाना है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरह से बराबर करेंगे और 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और इधर से हमको 3 इंच निशान लगाना है। तो आप इस तरह से हम निशान लगाएंगे और इसको हम लाइन को मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इस तरफ रखेंगे और इसको भी हम निशान को दोनों तरफ इस तरह से रखने के बाद निशान को लगा लेंगे और इस तरह से हमको इसको डार्क कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमको सिलाई लगाना है निशान के ऊपर, इस तरह से घुमाते हुए हम निशान के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। इसको हम काट देंगे और जो अंदर का कपड़ा रहेगा उसको भी हम 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के काट लेंगे। इस तरह से हमको कपड़े को काट देना है और हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाएंगे और इसको हम पलट देंगे इस तरह से, इस तरह से पलट लेना है हमको और बराबर करेंगे हम पलट के। इस तरह से इसका नोक भी निकाल देंगे किसी नुकीली चीज़ से। तो दोनों तरफ का नोक हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसको हम इस तरह से नाखून से बराबर कर लेंगे। तो इस तरह नाखून से हमको बराबर कर लेना है। तो ये हमारा बराबर हो चुका है और इंची टेप लेंगे हम, 1-1 इंच पे हमको निशान लगाना है। तो इस तरह से 1-1 इंच हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा निशान कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम निशान लगाएंगे, उसके बाद मोटा वाला हम धागा लेंगे और इसको हम बाबिन में लपेट देंगे इस तरह से। तो इस तरह से लपेटने के बाद हमको इसको काट देना है और बाबिन डब्बी में हम इसको बैठा देंगे इस तरह से और मशीन में लगाएंगे इसको। और उसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगाना चालू करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, सीधी सिलाई निशान के ऊपर, जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर हम इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमको सीधा सिलाई लगाना है और यहाँ से हम फिर घुमा देंगे इसको इस तरह से ऊपर की तरफ। फिर दूसरा वाला हमको इस तरह से सिलाई लगाना है, पहले वाले से हम थोड़ा छोटा रखेंगे इसको। इसको भी हम घुमा के ऊपर की तरफ ले आएंगे और यहाँ से हमको इस तरह से एक के बाद एक इसी तरह से सिलाई लगाना है। इसको भी हम छोटा रखेंगे। तो इस तरह से हम निशान को देखते हुए सिलाई लगाएंगे और जो हमारा सिलाई रहेगा उसको हम एक एक छोटा करते जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमको डिजाइन बनाना है सिलाई से। इस तरह से हम घुमाते हुए निशान को देखते हुए सिलाई लगाएंगे और जो हमारे ये बीच वाला है इसको हम थोड़ा बड़ा रखेंगे सिलाई को इस तरह से नीचे तक। फिर यहाँ से हमको छोटा करना है तो हम इस तरह से इधर से भी छोटा करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह हम घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड, ये बहुत ही ईजी डिजाइन है, इस डिजाइन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।
सूट, कुर्ती, फ्रॉक, ब्लाउज, जिसमें भी चाहें आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस डिज़ाइन को, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। तो इस तरह से हमको घुमाते हुए सिलाई लगाना है, आप देख सकते हैं इस तरह से हम घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे। एक के बाद एक इसी तरह से सब सिलाई लगाना है। और ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है, इसको हम काट लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। उसके बाद हम इस तरह से रिंग को लेंगे और डोरी में हम लगाएंगे, और यहाँ से हमको इस तरह से रखना है और सिलाई लगा के इसको अटैच कर देना है। तो इस तरह से हम बराबर रखेंगे इसको, और यहाँ पर हम सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। इस तरह से बराबर करते हुए हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। यहाँ रोकेंगे सिलाई को और दूसरा वाला भी लगाएंगे यहाँ पे हम। तो इस तरह से हम दूसरा वाला रिंग लेंगे, उसको भी हम इस तरह से यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ से सिलाई घुमा देंगे हम, और इस तरफ से हम घुमाते हुए दूसरा वाला भी रिंग में डोरी लगाएंगे, और इसको भी हम सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो इस तरह से बराबर कर लेना है हमको, और सिलाई लगाना है इसके ऊपर और अटैच करना है इसको इस तरह से। सेम इसी तरह से हम दूसरा वाला भी अटैच करेंगे डोरी लगा के। तो फ्रेंड इस तरह से हमको अटैच कर लेना है, आप देख सकते हैं ये हमारा अटैच हो चुका है। इसको हम काट देंगे, जो भी एक्स्ट्रा डोरी रहेगा उसको हम काट के हटा देंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। इसके ऊपर हम बाजू को रखेंगे, बराबर करते हुए इस तरह से रखना है, और सिलाई लगा के बाजू को हम इस तरह से अटैच कर देंगे डिज़ाइन के ऊपर। तो इस तरह से हम अटैच कर लिए हैं, इसको हम काट लेंगे। और ऊपर भी हमको सिलाई लगाना है, तो हम ऊपर इस तरह से रखेंगे और एक दाब की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है, और जो हमारा एक्स्ट्रा डिज़ाइन रहेगा उसको हम काट के हटा देंगे। इस तरह से काट के हम निकाल देंगे डिज़ाइन को। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।